और पंजाब में अब हाहाकार मचा हुआ है। चुनावी माहौल के बीच ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पंजाब में तस्वीरें अलग ही तरीके की दिखाई दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मचा है हाहाकार, पनप रहा है नशे का कारोबार, बम ब्लास्ट की गूंज से माहौल खराब। लेकिन पंजाब छोड़ मंत्री हैं दिल्ली में। पंजाब की राजनीति छोड़, पंजाब के मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह है पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो दिल्ली के सीएम आवास पर धरना दे रहे हैं। अपने साथियों के साथ राजा वड़िंग यहां पहुंचे, हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस के नेता हल्ला बोल रहे हैं और सीएम केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल के घर पर पहुंचते ही सीएम के सुरक्षा दस्ते ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इस पर राजा वड़िंग ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं और बतौर परिवहन मंत्री उनसे मिलने पहुंचे हैं। राजा वड़िंग ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के आवास पर सवाल पूछने आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि केजरीवाल की बादल परिवार के साथ ऐसी क्या साझेदारी है कि पंजाब की सरकारी बसों को हवाई अड्डे तक जाने की खुली इजाजत है। पंजाब में चुनाव है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब में चुनाव है, केजरीवाल वहाँ बैठे हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जो आदमी झूठ बोलता है उसको एक्सपोज करने का। केजरीवाल जी वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब में चुनाव के साथ साथ पंजाब लुधियाना में ब्लास्ट भी हुए, लेकिन आप यहाँ पे धरने पे उसकी क्या खास? अरे मैडम, कल अभी अभी आप कहोगे कि आप खाना क्यों खा रहे हो, ब्लास्ट हो गया है। आप नहा क्यों रहे हो, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी, परिवहन मंत्री होने के बावजूद भी अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास के बाहर आकर प्रदर्शन करना और इस समय पे प्रदर्शन करना, ये कोई खास वजह? ये बहुत, ये वजह आपको पता नहीं चल रहा? आप कह रहे चुनावी नजदीक, चुनावी समय के नजदीक, चुनावी समय के नजदीक आकर इस तरीके से बैठना? ना, मैंने चुनाव लड़ना है, मेरा काम है, आपका नहीं। आप पूछिए किस मुद्दे पे बैठे हैं। मैं जनता का पैसा लूटा जा रहा है, जो 1200 रुपए में मैं पैसेंजर को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, आ सकता हूँ अपनी बस पे, उससे 3000 रुपया लिया जा रहा है। अहम सवाल यही खड़ा होता है कि जो भी आप मांग लेकर बैठे, ये वक्त से पहले या इस चुनाव के बाद ही मांग हो सकती है, लेकिन इसी समय पर यहाँ पे बैठना उसकी क्या? मेरे को आपसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप सुन सकते हैं पंजाब के परिवहन मंत्री किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। पंजाब में जब सियासी घमासान मचा हुआ है, तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सियासी उठापटक के बीच पंजाब की समस्याएं छोड़ मंत्री दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में जब पंजाब में बेअदबी के मामले ने तूल पकड़ लिया है, लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले में FIR दर्ज की गई है, अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी माहौल में पंजाब के नेता पंजाब पर ध्यान देने के बजाय राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से भावना सिसोदिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।